Welcome back, students. Myself Professor Ashok, and today we are going to start with a new chapter from part 1, जिसका नाम है pair of straight lines. तो अभी देखो pair of straight lines. तो उससे पहले हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था straight lines के बारे में, कि straight lines क्या होते हैं, तो उसका slope क्या होता है, उसके बहुत सारे formulas क्या है slope find out करने के, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी. तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे समझने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है. बहुत सिंपल है, इजी है. अगर आप लोगों ने 11th में स्ट्रेट लाइन अच्छे से किया है, तो आपको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी करने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, फटाक से हो जाएगा, ठीक है. तो जिन्होंने नहीं किया है वो लोग को भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा. पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया. अब सब रिवाइज करूंगा मैं पहले, कि लेट से ये ए एंड बी आपके दो पॉइंट्स है, लेट से ये है एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, राइट. हाँ, अभी क्या करेंगे, अगर मुझे लेंथ ए बी फाइंड आउट करना है और मुझे डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा. तो हमारे पास एक फॉर्मूला था वो टाइम पे, हम लोगों ने 10th में भी ये सीखा है, कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में आया, ये जानबूझ के मैं रिवाइज करवा रहा हूं फॉर्मूला, आगे जाके यूज होगा कहीं पे, तो ठीक है. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइन मतलब क्या होता है, ठीक है. तो लाइन कैसा था, देखो लाइन हमने देखा था, ये कोई भी लाइन है उसका मतलब क्या, कि ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकता है, जिससे लाइन एल है बराबर है. हाँ अच्छा, ये लाइन के बारे में हम लोग ने, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, जो कि स्ट्रेट रहने वाली है हमेशा, उसके लाइफ में वो क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी और दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन के बारे में, लाइन का कुछ इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है एक लाइन का, वो भी हम लोगों ने सीखा था, कि जैसे इसका क्या जनरल इक्वेशन क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये कोई भी लाइन का ये इक्वेशन हो सकता है, जिसमें ये ए एंड बी क्या होते हैं, ए एंड बी होते हैं आपके कॉन्स्टेंट, वेयर एज एक्स एंड वाई होते हैं आपके वेरिएबल्स, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखने वाली है, कि ए एंड बी जो होंगे ना, वो साइमल्टेनियसली कभी जीरो नहीं हो सकते. मतलब एक तो ए जीरो होगा, बी कुछ तो वैल्यू होगा, एंड कभी हो सकता है बी जीरो हो ए कुछ, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते. तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नोट कट के रखना है हम लोगों को, ए एंड बी बराबर है नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, ये याद रखना है, ठीक है. साइमल्टेनियसली वो जीरो नहीं होंगे, हाँ जीरो हो सकते हैं, लेकिन क्या साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे. तो ये क्या है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है, किसका, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हमारा नॉर्मल जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं. कोई भी लाइन के बारे में अगर किसी ने हम लोग को पूछा कि भाई इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, मतलब जनरल पूछा कि क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन, तो वो रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. लेकिन अगर कोई लाइन है, अगर कोई हमारे पास लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड हमारा जो लाइन है अगर वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ये लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो. ये जो कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट होता है वो नहीं होता जब लाइन हमारी ओरिजिन में से पास हो रही है, इतना समझेगा. कभी भी याद रखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपका लाइन कहीं पे तो है जो कि ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर ये सी कांस्टेंट जीरो हो गया, तो समझो लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन था लाइन के बारे में, ठीक है. ये करने के बाद हम लोग को क्या देखना है, कि स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है. स्लोप के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था, स्लोप किसके बारे में होता है, स्लोप होता है कोई भी लाइन के बारे में. जैसे ये लाइन एल है, इसका स्लोप क्या होगा. अच्छा, ये स्लोप दिखाता भी क्या है, स्लोप का डेफिनेशन क्या है, हमें क्यों चाहिए स्लोप. तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, जब स्लोप होता है ना, एक ऐसा पैरामीटर, ऐसा वेरिएबल होता है जो आपको ये लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है. कौन सा इंफॉर्मेशन, कि उसका इंक्लिनेशन क्या है,
क्या बोल सकते हैं कि उसका इंक्लिनेशन क्या है, या फिर इंक्लिनेशन की जगह पे आप वर्ड यूज करते हो स्टीपनेस क्या है उसका, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्लोप, या हम लोग उसको स्लोप के अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि उसका इंक्लिनेशन क्या है, उसका स्टीपनेस क्या है, मतलब वो लाइन कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्या है, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। ये किसके रेफरेंस में रहेगा? ये रेफरेंस में रहेगा आपके एक्स वाई एक्सिस के, किसके, एक्स एंड वाई एक्सिस के रेफरेंस में ये इंक्लिनेशन एंड स्टीपनेस रहेगा उसका। अच्छा, नॉर्मली स्लोप मतलब क्या होता है? आपका रेशियो होता है। कैसे? तो एक लेट से ही हमारे पास ये कौन है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये भाई साहब हमारे वाई एक्सिस है, और एक लाइन है हमारे पास। कैसी लाइन है? लेट से ये ऐसे लाइन है, हम लोग इसको ऐसी लाइन बोल देते, ठीक है, ये ऐसी कोई तो लाइन है हमारे पास, लेट से लाइन एल। तो इसका जो भी इंक्लिनेशन बोलोगे आप, या इसका स्टीपनेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू आपके एक्स एंड वाई, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है? तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका कि हम लोग देखते हैं कि उसने हॉरिजॉन्टल चेंज कितना किया है एंड वर्टिकल चेंज कितना किया है, बराबर। हॉरिजॉन्टल चेंज मतलब क्या? ये देखो, ये एक्चुअली यहां से है, यहां से इतना, ये वाला वाई वाला, और यहां से इतना, ये एक्स वाला, सॉरी वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है, वाई बाय एक्स बोल सकते हो, या सोचो ऐसा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज मतलब क्या, वाई टू माइनस वन, ये सारे फॉर्मूले में बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल चेंज मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, ये सारे फॉर्मूले क्या है, इसके कौन से हमारे पास फॉर्मूले, थ्री और फोर फॉर्मूले है हमारे पास, तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखते हैं हम लोग कि स्लोप के फॉर्मूले कौन से हैं हमारे पास। स्लोप मतलब समझ में आया, इंक्लिनेशन और स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, और यू कैन से द वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज इज योर स्लोप, ठीक है। स्लोप को हम एम भी बोलते हैं, कभी कभी स्लोप हम टैन थीटा से भी दिखाते हैं। टैन थीटा मतलब क्या होता है तो वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है, ये फोर और फाइव फॉर्मूले में बताऊंगा, आपके पास लिखे रखने हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या इलेवेंथ में कौन से फॉर्मूले देखे थे, स्लोप के फॉर्मूलाज कौन से थे? तो पहला था स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब क्या, अगर कोई लाइन हमें पता है, उसका स्लोप पता है, और उसके ऊपर एक कोई भी पॉइंट पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? लेट से हम लोगों ने बोला कि हमारे पास ये लाइन है, बराबर है, जिसका नाम कुछ एल रख दो आप, ओके, और इसका स्लोप पता है हमें, इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप है एम, ओके, और ये लाइन पे एक पॉइंट है जो कि है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो हमारे पास एक पॉइंट है, बराबर है, जिस पॉइंट में से वो लाइन पास हो रहा है, और हमारे पास वो लाइन का क्या है, स्लोप है, बराबर। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका इक्वेशन, या इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो हमारे पास, तो हम लोग बोल सकते हैं y माइनस वाई वन, देखो y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया आपका इक्वेशन। मतलब क्या, यूजिंग स्लोप, ठीक है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते, एक्चुअली इसको आप देखा जाओगे ना, तो ये तो आपका फॉर्मूला बनता है स्लोप का, फिर भी, तो यहां पे हमने क्या बोला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हम लोगों ने पूरा किया हुआ है टेंथ में बोल रहा हूं मैं, इलेवेंथ में भी हम लोगों ने किया है, ओके। सिमिलरली टू पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होगा, टू पॉइंट फॉर्म मतलब यहाँ पे बोला था स्लोप एंड पॉइंट, तो स्लोप एंड पॉइंट हो गया, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय टू पॉइंट, टू पॉइंट मतलब अगेन हमारे पास एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट दिए हुए, लेट्स से दिस इज योर ए पॉइंट विच इज एक्स वन कॉमा वाई वन, एंड दिस इज योर बी पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू, तो भाई इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो अगेन दिया होगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये है आपका इक्वेशन का फॉर्मूला, कि ये लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इस चीज से बनेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे जैसे जैसे जाएंगे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे x1 है, y1 है और m है, तो ये y कहां से है, y हमारा रेफरेंस है, हम लोग क्या बोलते हैं कि यही लाइन पे और एक पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसको मैं लेट से, चलो रेड इससे बता देता हूं कि ये लेट से ये हमारा p पॉइंट रहेगा, उसको इमेजिन किया हम लोगों ने,
और ये x कोमा वाई होता है, ठीक है, x कोमा वाई, ठीक है। इसके लिए y एंड x होता है ना, इक्वेशन चाहिए तो आपको ax, इसका इक्वेशन कैसे होता है लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये x एंड y है ना, वो तो वेरिएबल होना चाहिए ना, अगर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं बचेगा, इसलिए x एंड y होता है, ठीक है। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या, तो हम लोग को स्लोप पता रहेगा, एक चीज वो है। दूसरा मतलब क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या कि आपका लाइन है, बराबर है, आपका लाइन है किसी एक्सिस को कहीं पे तो वो कट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे अगर कट कर रहा है, तो जैसे दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमारा लाइन है ना ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे कट कर दिया, विच इज अ सी पॉइंट आप बोल दो। इसका कोऑर्डिनेट्स हो सकता है 0, c, और इसका स्लोप हम लोग को पता है कि जो है m। तो अभी इसका स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बहुत इजी एंड सिंपल, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या दिया है, सी पॉइंट है, जहां पे 0, c आप बोल सकते हो, मतलब दिस डिस्टेंस इज सी, समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ओके लास्ट वाला क्या दिख रहा है हमें, डबल इंटरसेप्ट। अच्छा डबल इंटरसेप्ट मतलब क्या, पहले था सिंगल इंटरसेप्ट, मतलब एक एक्सिस को कट कर दिया उसने, अरे डबल इंटरसेप्ट मतलब सिमिलर हो जाएगा हमारा, क्या होगा तो वो दोनों एक्सिस को कट कर देगा, कैसे तो ऐसे देखते हम लोग, ये देखो कट कर दिया दोनों एक्सिस को, ये लाइन है बराबर है। तो अभी इसका इक्वेशन कैसे देखेंगे हम, तो आप बोलोगे सर स्लोप भी नहीं दिया हुआ है, तो देखो लेट से ये ए पॉइंट है हमारा कैपिटल ए, तो ये ए कॉमा जीरो होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये है बी पॉइंट है तो इसका 0, b होगा, बराबर है, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। अच्छा तो इसका इक्वेशन लिखना बहुत ही सिंपल है, कैसे, तो इसका इक्वेशन हम क्या बोलेंगे ना कि एक्स अपॉन ए, ये डिस्टेंस है ना वो ए है, इंटरसेप्ट है ना, और ये कौन सा इंटरसेप्ट है, बी, तो एक्स अपॉन ए विच इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्यों लिख रहा, प्लस वाई अपॉन बी विच इज इक्वल टू वन। ये हो गया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बन गया ये, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये सारे आपके इक्वेशंस है, ठीक है, ये सारे क्या आपके इक्वेशंस है, इक्वेशन के फॉर्मूलाज है, कि अगर हमारे पास स्लोप दिया हुआ है एंड पॉइंट दिया हुआ है तो दिस इज योर फॉर्मूला टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, राइट। इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, जैसे ए एंड बी पॉइंट दिया है, तो ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर आपको किसी ने स्लोप एंड इंटरसेप्ट दिया है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, और डबल इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, समझ में आई बात। ये ए एंड बी क्या है, तो ये एलिवेट, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये वर्टिकल मूवमेंट है, तो ये कितना ए है, ये बी है। तो ये समझ में आए सारे फॉर्मूलेस आपको, कि कैसे होता है ये स्लोप पॉइंट, टू पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, जनरल इक्वेशन हम लोग को तो पता है किसका, लाइन का, लेकिन उसके साथ एक नॉर्मल फॉर्म भी होता है, वही लाइन का नॉर्मल फॉर्म होता है, वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सी कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, पहले जनरल लिखते हैं, जनरल फॉर्म मैंने तो एक्सप्लेन किया था, स्टिल वन सेकेंड बोल देता हूं। जनरल फॉर्म कैसे होता है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज फॉर नॉर्मल लाइन। अच्छा इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या बोलेंगे, लाइन लास्ट में लिख के दिया था ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन इसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो डायरेक्टली, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये सी कॉन्स्टेंट आएगा ही नहीं उसमें। अच्छा सेकेंड मैंने क्या बोला था आपको, कि नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है, तो आपका नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ है या होता कैसे है, तो ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अच्छा इसमें सारी चीज क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जैसे कि हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे लेट्स से हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, लेट्स से ये लाइन है, ठीक है, ओके। तो हम लोग ने ये एक्स एक्सिस नाम दो, ये वाई एक्सिस नाम दो, ये ओरिजिन है। तो लेट्स से मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बराबर है, और ये जो इंक्लिनेशन है इसको मैंने बोल दिया अल्फा, ये है हमारा एंगल अल्फा, बराबर है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको आप नाम नाम दे सकते हो, लेट से ए बी, ओके, एंड ये ओ है। तो ये जो हमें हाइपोटेनियस मिलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पी, जो यहां पे लिखा हुआ है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स, या हो गया आपका वाई, ठीक है, बराबर है ना, ये x एक्सिस पे है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया x, और ये डिस्टेंस क्या एक्चुअली y एक्सिस पे, तो y हो गया, ओके। तो अभी देखो यहां पे आपका ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखा ना, लेकिन ये क्या ये बराबर है, ट्रू है, कुछ तो कंडीशन होना चाहिए ना, सो दैट आप बोलोगे कि इक्वेशन सही है। तो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अच्छा एक्स इंटू, अच्छा कॉस अल्फा क्या बनेगा यहां पे, तो हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा, देखो cos alpha is equal to, cos alpha मतलब क्या होता है हमारा, adjacent upon hypotenuse, yes adjacent क्या है x, तो x upon p होगा, okay, what about sin alpha, sin alpha होगा आपका opposite upon hypotenuse, मतलब y by p होगा, हाँ सही है। चलो तो हम लोग ये values ने equation में substitute करके देखते हैं कि यह बराबर है कि गलत है। अच्छा ठीक है, तो x cos alpha क्या है x upon p, तो यहाँ पे हो जाएगा x upon p plus y into y upon p है ना sin alpha, which is equal to p लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x square by p plus y square upon p which is equal to p हो गया। अभी क्या करते हैं ना, इसमें से p से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा x square plus y square is equal to p square, क्या हो गया, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई किया तो pp कैंसिल, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई किया तो pp कैंसिल, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई किया तो p square। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेकिन अगर आप ये ट्राइंगल में देखोगे, कौन सा ट्राइंगल, ABO में बाय पाइथागोरस, हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, है ना, तो ये ट्रू है कि नहीं, ये कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है हम लोगों को, मतलब क्या ये इक्वेशन भी हमारा वैलिड है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रू है। तो ये समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, ये था जनरल फॉर्म और ये है इसका नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, आगे जाके यूज होगा हम लोग के लिए, इसलिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो देखो ये इंक्लिनेशन अल्फा दिया है हम लोगों, समझ में आई बात, तो x cos alpha plus y sin alpha is equal to p is your normal form of any line, समझ में आए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि लाइन का जो स्लोप होता है, तो जनरल इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसी में मैं लिखता हूं अभी। तो हम लोग ने क्या बोला, जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो ax plus by plus c is equal to zero, कोई भी लाइन होगा तो उसका, अच्छा ये अगर ये मेरा लेट से ये मेरा लाइन है, इसका ये इक्वेशन है, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा, नो इश्यू। अभी क्या करते हैं हम लोग ना, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप अगर मुझे किसी ने इक्वेशन दिया उससे स्लोप कैसे मिलेगा, तो इसका स्लोप होता है हमारा माइनस ए अपॉन बी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ बी, समझ में आया, माइनस ए अपॉन बी, अच्छा ठीक है। इसी से अगर किसी ने मुझे पूछा कि x इंटरसेप्ट क्या होगा ऑफ लाइन, ये लाइन आपके x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास, माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली अगर y इंटरसेप्ट किसी ने पूछा तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस सी अपॉन बी y का कोऑर्डिनेट या कोएफिशिएंट हम बोल सकते, ठीक है, ये बात समझ में आएगी। अगर जनरल जनरल इक्वेशन दिया है तो उससे आप स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा तो अभी और एक चीज क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को पैरेलल है, बराबर है, और हम लोगों ने बोल दिया कि इसका स्लोप है m1 एंड इसका स्लोप है m2,
तो बराबर है, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट वी कैन से, वी कैन से द स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन्स विल बी सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल रहेंगे। ये कंडीशन आप लोगों ने सीखी है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको रिवीजन के लिए। ओके, दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, और एक चीज बोल सकते हैं, अगर दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अदर लाइन, लेट्स अगेन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लाइन का जो स्लोप है ना वो m1 है एंड ये लाइन का स्लोप है आपका m2 है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, m1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -1 अपॉन m2 रहेगा। ठीक है, मतलब किसी ने बोला अगर इसका स्लोप ये m1 अगर आपका 1 है या 3 है तो आपका m2 क्या आएगा, -1/3 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, इसमें एक चीज एक याद रखनी है कि ये जो दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसमें से एक भी लाइन आपकी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये सारा रिवीजन था आपका 11th में से। इसके बाद एक्चुअली हम लोग को सीखना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, पेयर, पेयर मतलब पेयर से ही हम लोग को समझ में आता है, पेयर मतलब दो लाइन, एक जोड़ी या कपल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग उसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, नाम में ही है। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में अभी सारा पढ़ा, उसके बारे में स्लोप के बारे में, उसका जनरल इक्वेशन, उसका नॉर्मल इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड आउट करने के अलग अलग फॉर्मूले। तो अभी देखते हैं पेयर मतलब क्या है, पेयर मतलब जोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, जोड़ी या कपल। मतलब क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब जोड़ी ऑफ हमारे स्ट्रेट लाइंस हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास दो लाइंस है, लेट्स से ये हो गया दो लाइन हो सकते हैं, ऐसे दो लाइन हो सकते हैं, लेट्स से एल है, ये एम बोल दो, एम हम लोग नाम लेते हैं ना, तो उसको एल नहीं बोलते हैं हम लोग, लेट्स से पी है, क्यू लाइन है ये, या फिर ऐसा हो सकता है दो लाइंस की ये लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है पी एंड क्यू। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा एक लाइन है पी एंड उसके ऊपर एक दूसरा लाइन है, कोइंसाइड कर रहा है लाइन, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है ना, इसके ऊपर एक लाइन है, उसको क्यू नाम दे दो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं कि एक पैरेलल हो सकता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ये क्या हो सकते हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर तो ये भी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना, बराबर है, ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा इसको इंक्लाइन निकाल देते तो अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो ये भी पेयर ऑफ लाइन, हाँ ये भी पेयर ऑफ लाइन है, मतलब क्या, लेकिन ये आगे जाके आपको इंटरसेक्ट होने ही वाला, तो ये आ जाएगा इसी के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आई बात, क्या ये आगे जाके देखो ना, इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया तो आगे जाके क्या होगा, ये इंटरसेक्ट हो रहे, कौन से फॉर्म में आ गए, ये फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो ये लाइन भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। हम लोग नॉर्मली हमारे पास कौन से रहते हैं, तीन रहते हैं, कौन से, एक तो पैरेलल रहेंगे, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा कोइंसिडेंट मतलब उसी लाइन के ऊपर रहेंगे, छोटी या बड़ी हो सकती है लेकिन वो क्या रहेंगे, उसी लाइन के ऊपर रहेगी। ये होते हैं हमारे तीन टाइप्स रहेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब जोड़ी। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास हर एक लाइन का एक इक्वेशन होता है, ठीक है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, मतलब क्या, हमारे पास दो लाइंस है, एक ये है, ये एक ये है, लेट्स दिस इज यू दिस इज पी, तो इसका अलग इक्वेशन होगा। लेट्स से इसका इक्वेशन हो सकता है हमारा, ये जो यू लाइन है ना उसका इक्वेशन ऐसे हो सकता है, a1x + b1y + c1 = 0 हो सकता है। वॉट अवर दिस, ये भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है कि a2x + b2y + c1 = 0। यहाँ पे a2 b2 c1 a1 b1 एंड c1 कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट्स है। ठीक है, तो इसका कंबाइन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो कंबाइन इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है, क्या बोलेंगे, कंबाइन इक्वेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये लाइन है हमारे पास कि ये भी u = 0 एंड v = 0, ठीक है ना, वही लाइन का इक्वेशन है इसके, इसको अगर इक्वल टू जीरो लिखा तो इसको भी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u = 0 एंड v = 0 is given by, कैसे देंगे, तो देखो u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो आएगा, बराबर है,
u 0 into 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्या, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ लाइंस। समझ में आया कि आपके पास कोई भी दो लाइंस है जो मतलब पेयर ऑफ लाइन है, उनका अगर कंबाइन इक्वेशन लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों के इक्वेशंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सादा कॉन्सेप्ट है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने का भी जरूरत नहीं। आगे इक्वेशन है जहां पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो अभी मैं नहीं दिखाने वाला। तो ये थियरम है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक क्या होता है ना, कि इसमें क्या हो जाएगा अभी, कि अभी आगे जाके आपको क्वेश्चन आएगा कि कैसे, कि लेट से ये दो लाइंस है, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया ये दो पेयर ऑफ लाइंस है। अभी इस पे अगर क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन? तो ये दो लाइंस है, अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए निकाल लेता हूँ। दिस इज यू, दिस इज वी, बराबर है। इसके ऊपर लेट से एक पॉइंट है हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन, और यहाँ पे एक पॉइंट है लेट से दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एक्स टू कॉमा वाई टू। तो मेरी ये सोच क्या रहेगी, अगर ये ए पॉइंट है ऑन यू लाइन, यू इज इक्वल टू 0, ये लाइन पे है, तो ऑफकोर्स ये पॉइंट ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। हाँ, करेगा, ऑफकोर्स करना ही, क्योंकि वही लाइन का वो इक्वेशन, वही लाइन पे वो पॉइंट है, तो ये बी वाला v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता होगा। हाँ, बट क्या ये ए पॉइंट ये कंबाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो आपको सोचना पड़ेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो हाँ करेगा। कैसे? तो देखो, ये अगर मैंने लेट से हमारा u क्या था, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, ए पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? देयर फॉर वॉट वी कैन से दिस इज 0। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाता तो देखो आपका u इंटू वी में ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ करेगा, हमेशा करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट क्या नोट करना है यहाँ पे, देयर फॉर यू कैन से एवरी पॉइंट ऑन लाइन, कौन सी लाइन, यू इज इक्वल टू 0 और वी इज इक्वल टू 0, राइट? एवरी लाइन ऑन, एवरी पॉइंट ऑन लाइन यू इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया तो वंस अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सोचो ना आप, कि आप ऐसा अभी वो पूरा मत सोचो, मैं यहां पे आपको छोटा सा बता देता हूं कि ये लाइन पे है 1,2 है, और इसका कुछ इक्वेशन आपके पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? ये इक्वेशन ऐसा है, इसका मतलब क्या, अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया तो इक्वल टू 0 आएगा। हाँ 0 आएगा, बराबर है। लेकिन जब पेयर ऑफ लाइंस कर रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन का इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय अदर लाइन ऑफ इक्वेशन। लेकिन भाई साहब, अगर यही 0 आता है तो पूरा 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आएगा, 0। मतलब ये पॉइंट आपके ये लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये लाइन मतलब इनका कंबाइन इक्वेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन है। तो कंबाइन, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ये ए पॉइंट आपका वी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ये ए पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन बना उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ करेगा, समझ में आई बात, ठीक है। उसी तरह अगर ये बी पॉइंट है तो वो क्या, वी को सेटिस्फाई करेगा, वी इज इक्वल टू 0 बनाएगा। मतलब अगर ये 0 बन रहा है तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने इसीलिए स्टेटमेंट लिखा कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन यू इज इक्वल टू 0 एंड वी इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड इक्वेशन यू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आई बात। बहुत सिंपल है, सिंपल है ये, जस्ट कंसेप्ट आपको समझने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, क्या बोलेंगे हम लोग कि क्या बोलते हैं ये यूवी इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, ये चीज को क्या बोलते हैं, तो यूवी इज इक्वल टू जीरो, इसको यहां पे लिख देते हैं, हम लोग को जगह मिलेगा यूवी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा यहां पे, तो हम लोग बोलेंगे यूवी इज इक्वल टू जीरो राइट इज ए कंबाइंड इक्वेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और जॉइंट इक्वेशन ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो, है ना, स्टेटमेंट है ये सिर्फ। तीसरा क्या बोल सकते हैं, यू इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो इज ए सेपरेट इक्वेशंस ऑफ यूवी इज इक्वल टू जीरो, या बोल सकते हो ऑफ इक्वेशन यूवी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसा कुछ है नहीं, जैसे हम लोग देखो क्या यूवी इज इक्वल टू जीरो, ये अगर हमारे पास एक कंबाइन इक्वेशन है किसका, यू इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो का, सिमिलरली u is equal to 0 and v is equal to 0 क्या है, तो uv is equal to 0 के सेपरेट इक्वेशन है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे uv मिला, और इसको uv को मैं सेपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, u is equal to 0 and v is equal to 0, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहेंगे कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस, और क्या बोलेंगे कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा, स्टेप वाइज जाएंगे। तो हम लोग ने अभी क्या सीखा कि कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है वो देखा, पेयर ऑफ लाइंस का, ठीक है, यूवी इज इक्वल टू जीरो होता है, हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा यूवी इज इक्वल टू जीरो को, इक्वेशन यूवी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम लोग को देखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन और डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है। ओके, डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है हम लोग देखेंगे, तो डिग्री आपको पता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन भी आप लोगों ने किया हुआ, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। तो डिग्री ऑफ टर्म, टर्म मतलब एक सिंगल टर्म, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो ये सिंगल है ना, ये सिंगल एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसे जितने टर्म्स होंगे उसको हम लोग एक सिंगल को क्या बोलते हैं, टर्म, तो उसका डिग्री मतलब क्या होता है। तो सीधा सीधा याद रखना कि डिग्री ऑफ टर्म मतलब आपको क्या निकालना है, आपको क्या करना है, सम ऑफ पावर पावर्स, और यू कैन से इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अभी ये क्या नहीं समझा तो मैं बताता हूं, एग्जांपल एग्जांपल कि मैंने बोला कि ये 4x2y, या आप पहले 4x2 का ही देखते हैं, तो इस टर्म में आपने देखा, यहां पे डिग्री लिखते हैं हम लोग कि देखो वेरिएबल, मैंने क्या बोला, वेरिएबल के इंडाइसेस, इंडाइसेस या पावर मतलब उसके टकले पे या उसके ऊपर, सिर के ऊपर जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइसेस या क्या बोलेंगे, पावर्स बोलते हैं। कितना पावर है, 2, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2। जितने भी वेरिएबल है उन सबका काउंट करना है। देखो मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेट से मैंने बोला कि 3x into y, तो यहां पे देखेंगे आप तो आपको समझ में आ रहा है ये x के ऊपर एक पावर है, y के ऊपर एक पावर है, तो 1+1 2 हो जाएगा, तो आपका डिग्री कितना हो गया, 2। अगर मैंने बोला कि लेट से 13x2y, इसका क्या हो जाएगा, तो ये x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 1 है, तो 2+1 3, दिस इज द डिग्री ऑफ योर टर्म राइट। और यू कैन से 17y2 या y क्यूब बोलोगे, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। तो ये है सिंगल सिंगल टर्म्स का, ठीक है। हम लोग को देखना है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, तो होमोजेनियस इक्वेशन अगर समझना है तो पहले डिग्री ऑफ टर्म निकालना या समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको ये समझा डिग्री ऑफ टर्म, तो आप ये भी समझ जाओगे। इसमें क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ ऑल टर्म इज सेम होगा, क्या होगा, पहले क्या होगा वो समझते, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑल टर्म इज सेम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो जितने भी टर्म्स होंगे आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन बोला है, आपके पास इक्वेशन है, बराबर है, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है
अगर उनका डिग्री सेम होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, एक क्या बोलोगे आप उसको कि होमोजेनियस इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे पास है 5x² प्लस 3xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये जो एक सिंगल टर्म है इसका डिग्री कितना है 2. अच्छा यहां पे देखो ये y के x के ऊपर 1, y के ऊपर 1 प्लस 1 2, यहां पे y का भी कितना है 2, तो सारे टर्म का कितना है 2 है डिग्री. तो हमारे पास यहां कितने टर्म्स थे, 1 2 एंड 3, तीनों टर्म का डिग्री कितना है 2 2 2, तो तीनों का डिग्री सेम है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है. अच्छा फॉर एग्जांपल मैं अलग एग्जांपल लेता हूं जो नहीं रहेगा, जैसे कि 9x² प्लस 2xy प्लस लेट से 4y³ इज इक्वल टू 0. तो यहां पे आप देखोगे ये टर्म का कितना है डिग्री 2, इसका भी कितना है तो 1 प्लस 1 2, अरे लेकिन इसका 3 हो गया, तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? नहीं है. समझ में आया? तो इसमें बहुत सारे आते हैं जो इक्वेशन जो कि रहेंगे हमारे होमोजेनियस, ये नहीं है. तो समझ में आया डिग्री ऑफ टर्म एंड होमोजेनियस इक्वेशन. डिग्री ऑफ टर्म मतलब क्या, वी हैव टू एड और सम ऑफ पावर्स और इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स, मतलब ये सारे टकले के ऊपर जितने हैं उनका एडिशन करोगे, लेकिन किसका, सिर्फ वेरिएबल का. मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कोई बच्चे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे ऐसे दिया ए एक्स वाई, तो बोलोगे इसका डिग्री कितना है 3 बोलोगे, नहीं इसका डिग्री कितना है 2 है. क्यों, ये कॉन्स्टेंट है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे हम लोग, सिर्फ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. ठीक है, ये a को नहीं काउंट करेंगे, a का पावर नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज a इज माई कॉन्स्टेंट एंड x एंड y इज माई वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे बोला ऑल वेरिएबल्स. समझ में आई बात? तो ये था हमारा होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में. ठीक है, अभी हम लोग को ना एक दो थियोरम देखने, जो कि जिसमें से एक थियोरम होता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, फॉर 4 मार्क्स. तो हम लोग को वो थियोरम करना है, उससे पहले एक छोटा थियोरम है वो करेंगे. ओके, ये एक थियोरम है. ठीक है, कि क्या बोला है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई. तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए बोला क्या हम लोगों ने. ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो ये प्रूफ करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसका कैसे आता है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. तो पहले दिया क्या था, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है. पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब क्या, हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं. देखो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, दिस इज योर ओरिजिन. अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है मतलब कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, बराबर है. अच्छा उसी के साथ दूसरा लाइन भी है तो ये भी ऐसा जाएगा, बराबर है. हाँ बराबर है. ठीक है, तो अभी ये लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, कैसे? मैंने देखो दो इक्वेशन बोला था, एक जनरल इक्वेशन होता है नॉर्मल लाइन का, और दूसरा बोला था कि पासिंग थ्रू ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब कांस्टेंट होता है क्या, नहीं होता है. तो लेट्स सी, ये लाइन का इक्वेशन मैं ऐसे लिखता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो c1 नहीं रहेगा. व्हाट अबाउट दिस लाइन का इक्वेशन, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y विच इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो c2 नहीं रहेगा. कंबाइन इक्वेशन पूछा है, क्या हम लोग को कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना आता है? हाँ आता है. कैसे? तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है. क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है. तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 बी अ इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो उन लोगों ने बोल दिया कि भाई ये ओरिजिन से पास हो रहे थे, उसका इक्वेशन ही है. तो इसका कंबाइन इक्वेशन कैसे देते हैं, तो कंबाइंड इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे देते हैं, हम लोग को पता है, हम लोगों ने किया है ना, कैसे? तो
तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या है, पहला इसको यू बोला, इसको यू बोला, इसको वी बोला, तो यू इन टू वी, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर है इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ए वन एक्स इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वन एक्स एंड ए टू एक्स क्या हो जाएगा, ए वन ए टू एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस ए वन एक्स इंटू बी टू वाई, तो ये हो जाएगा ए वन बी टू एक्स वाई प्लस बी वन वाई से इसको करेंगे तो मिलेगा मुझे ए टू बी वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई से बी टू वाई को करेंगे तो बी वन बी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर है। हाँ, तो हम लोग को क्या दिख रहा है ना, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आएगा ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन एक्स वाई प्लस बी वन बी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं ना, लेट ए वन ए टू इज इक्वल टू ए, बी वन बी टू इज इक्वल टू बी एंड ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन इज इक्वल टू 2h, ऐसे हम लोग ने अज्यूम कर लिया उसका एक कुछ वैल्यू रहेगा बराबर है। तो अकॉर्डिंगली दैट हम लोग को क्या इक्वेशन मिलेगा, हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। और यहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई इसका कितना है, ये टर्म का कितना है डिग्री, तो 2, ये टर्म का कितना है तो 2, और इसका भी 2 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते, द गिवन और द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई बोल सकते हैं, क्योंकि डिग्री कितना है 2। समझ में आया कंसेप्ट कैसे किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन अ डिग्री 2। ओके, समझ में आया, ये थ्योरम पूरा बहुत इजी है। देखो आप यहाँ पे सी वन लेकर चलोगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, डिग्री 1 का मिलेगा और डिग्री 0 भी मिलेगा, तो जहां पे आपको क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस नहीं होगा। मतलब अगर आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा एक भी लाइन, तो आपका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं आएगा, कीप इन माइंड। ओके, तो ये था हमारा एक थियरम। दूसरा इसके आगे वाला थियरम है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो हमारे एग्जाम्स में आता है फॉर 4 मार्क्स, तो उसमें ज्यादा अच्छे से ध्यान दो, तो हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें वही थियरम करेंगे। ओके, तो ये थ्योरम आप अगर ठीक से पढ़ पा रहे हो तो दिस इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ योर प्रीवियस थ्योरम। उसमें क्या बोला था कि दो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो क्या रहेगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या बोला है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिया है उन्होंने, विच रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात समझ में, एग्जैक्टली अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। इसको प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको प्रूफ करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग करेंगे। तो कैसे करना है देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उन्होंने हम लोग को होमोजेनियस इक्वेशन दिया है, हाँ दिया है, तो हम लोग उसको लेते, क्या बोलेंगे, कंसीडर, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या है, ये गिवन है बराबर है। अच्छा, यहां पे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आपका जब नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो ए एंड बी है ना वो साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे, मैंने स्पेसिफाई किया था, एक तो ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है, मतलब अगर ए 0 हो सकता है तो बी 0 नहीं होगा, और अगर ए 0 है ए 0 नहीं है तो बी में भी 0 हो सकता है, तो हम लोग दोनों में से एक कोई तो कंडीशन ले सकते हैं। दो दो कंडीशन कौन सा आता है, ए इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन क्या आएगा,
ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, या दोनों भी कुछ वैल्यू होंगे, ठीक है, ये सारे कंडीशंस आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से सिर्फ ए वाला देखो, ये कंडीशन लेते हैं हम लोग कि बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, ये दो कंसिडर कंडीशन कंसिडर करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडर टू केसेस b इज इक्वल टू जीरो एंड b नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये दो ही केसेस आ सकते हैं। मतलब आप a के लिए भी लेके सॉल्व कर सकते हो, मीन्स a इज इक्वल टू जीरो एंड a नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी लेके सॉल्व कर सकते हो, चलेगा, लेकिन दोनों एट ए टाइम जीरो पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। समझ में आई बात? चलो, तो केस वन क्या है हमारे पास, दिस इज माई केस वन, दिस इज माई केस टू। चलो केस वन स्टार्ट करते हैं। केस वन, उसमें हम लोगों ने क्या बोला है केस वन में, कि योर बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी इज इक्वल टू जीरो होगा इन दिस इक्वेशन व्हाट विल हैपन, देखो, तो यहां पे ऐसे लिखते हैं हम लोग केस वन, इफ बी इज इक्वल टू जीरो देन, देखो यहां पे ये बी जीरो हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस जीरो इंटू वाई स्क्वायर जीरो, तो पूरा जीरो मिलेगा, तो विच इज इक्वल टू जीरो बन गया। हाँ, देयरफॉर हम लोग क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो एक्स दिख रहा है, तो एक्स यहां पे क्या बचा, ए एक्स प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यू कैन से एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, और ए एक्स प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू जीरो, बराबर है। मतलब मुझे क्या मिले, ये कंबाइन इक्वेशन था, उसमें से मुझे क्या मिला, दो सेपरेट इक्वेशन मिले दो लाइंस के, बराबर है। अभी अगर आप इन दोनों लाइंस को देखोगे, इन दोनों लाइंस को ऑब्जर्व करोगे, बराबर है, तो ये दोनों लाइंस क्या है, x इज इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन में से पास होगा, x इज इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा लाइन होता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज अ x, दिस इज अ y, तो ये जो x लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो होता है, और ये y लाइन का क्या होता है, x इज इक्वल टू जीरो। तो आपने बोला x इज इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला हो गया y एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ पास हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस लाइन ax प्लस टू एच वाई, क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, प्लस सी है, प्लस सी नहीं है, मीन्स दिस लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब लेट्स से ये लाइन ऐसी हो सकती है आपकी, समझ में आई बात, दिस इज योर लाइन ax प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू जीरो विच इज पासिंग थ्रू लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। तो यहां पे हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, दिस टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन लिया तो हाँ उसमें से हम लोग को मिला कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। चलो अभी दूसरा कंडीशन भी है हमारे पास, दूसरा कंडीशन क्या, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको जरूरी है, अगर आपको समझना है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको लगता है ये जरूरी है तो मत ड्रॉ करो, ठीक है। दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला लाइन एंड दिस इज योर ए एक्स प्लस टू एच वाई वाला लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। केस टू क्या है हमारे पास, तो केस टू है हमारे पास कि बी, हम लोग बोलेंगे इफ 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 बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब एज इट इज रहेगा सारी चीजें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन एज इट इज रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एज इट इज रहेगा। अच्छा देखो, अगर अभी इससे मुझे दो अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं ना लाइन के, तो मुझे इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय बी ऑन, देखो बी से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, हाँ होगा। अभी क्या करते हैं, ये ए बी एक्स स्क्वायर को वहां पे भेज देते हैं,
तो मुझे क्या मिलेगा, टू एच बी एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बंदा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जाके नेगेटिव होगा, ए बी एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग क्या ट्राई करना है, हम लोग को ट्राई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। क्या बनाने का ट्राई करेंगे, स्क्वायर बनाने का। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग को एलएचएस को स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, एड एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन, एड एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग को ऐसे मिलेगा ये टर्म, कि आपको मिलेगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे होएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। हाँ बराबर है, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे ये एक्चुअली क्या बन गया है, तो ये बन गया है एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर, हाँ विच इज इक्वल टू, ये क्या बन गया है, तो यहां से अगर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ ओके ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी तो ये भी स्क्वायर के टर्म में, तो इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, कैसा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, बराबर है, तो एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग को कंडीशन क्या बोलना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उन्होंने बोला है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एच एच स्क्वायर माइनस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेके आ जाते तो क्या आएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पता चला, देखो ये कौन से फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में विच इज इक्वल टू जीरो, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विच इज इक्वल टू जीरो, समझ में आई बात। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं इसको हम लोग, तो दिस इज योर होल ए एंड दिस इज योर होल बी। ठीक है, इसको चाहिए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, तो ये x द होल स्क्वायर। ठीक है ओके, तो a प्लस बी मतलब एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एंड दूसरा इक्वेशन आप बोल सकते हो एच एक्स प्लस बी वाई बराबर है माइनस एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन आ गए। अच्छा अभी इसको क्या करते हैं हम लोग ना, तो देखो ये और ये एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है ना, इसको कॉमन ले ले, तो हम लोग को कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिखता हूं मैं, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, एक्स ब्रैकेट में या बाद में लिखते एक्स को क्योंकि वेरिएबल है ना, तो एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी राइट इन टू एक्स प्लस बी वाई इन सेकेंड ब्रैकेट एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो एंड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो इसके आगे लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैं इरेज करूंगा अभी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे, देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो और एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा देखो ये दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं, इसमें कॉन्स्टेंट दिख रहा है क्या कहीं पे, मतलब प्लस सी है क्या, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वाई का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, प्लस सी वन कुछ कॉन्स्टेंट है नहीं, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से बोथ इक्वेशन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन।
समझ में आई कि नहीं बात, क्या बोलेंगे? देयरफॉर, देयरफॉर बोथ इक्वेशंस और बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू थ्रू ओरिजिन। समझ में आई बात? मतलब क्या समझे हम लोगों ने कि दोनों केस में क्या बन रहा है? अगर एक के बारे में आप बोलोगे ना तो ऐसे ही कुछ तो मिलेगा जो कि दोनों लाइंस आपके क्या होंगे, ओरिजिन में से पास रहे होंगे, फिर वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर सेकेंड कंडीशन ऑल्सो। बात समझ में आई कैसे सॉल्व किया, क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, अभी अगर आप लोग बोलोगे ना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो मुझे क्या मिलेगा, h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ये x है। ठीक है, तो ये b यहां पे लेके जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट, देखो मैं बोलता हूं स्लोप ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन इसका क्या होगा, M1 बोल दो, तो M1 क्या आएगा इसके अकॉर्डिंगली आपको आएगा माइनस एच स्क्वायर बराबर है माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। कैसे आया, तो मैंने बोला था आपके पास अगर कोई इक्वेशन है, कोई लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो M हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी। समझ में आया, उसी तरह से ये उसी फॉर्म में से मैं फॉर्मूले से मैंने लिखा है। ठीक है, और स्लोप M2 क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड लाइन जो है दिस इज M1 M2, तो M2 का क्या आएगा, तो ये माइनस एच स्क्वायर कंफर्म है, माइनस एच सॉरी स्क्वायर नहीं एच, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये M1 एंड M2 क्या, स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 है। समझ में आई बात? मतलब आपको अगर किसी ने भी कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन दे दिया, तो उसमें हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप M1 है जो इस फॉर्मूले से मिलेगा, दूसरे लाइन का स्लोप M2 है जो इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो गया, हमारा जो स्टेटमेंट था कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन दिया है जिसका डिग्री ऑफ टू है, होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री टू, तो वो क्या होता है, उसके जो सेपरेटेड लाइंस है वो क्या होते हैं, ओरिजिन में से पास होते हैं। किस में से पास होते हैं, तो ओरिजिन में से पास होते हैं। समझ में आया ये थ्योरम, बहुत इजी है। ठीक है, ये थ्योरम के कुछ ना हम लोगों को क्या बोलते हैं, रिमार्क्स बोल सकते हैं हम लोग, या इसके कुछ फॉर्म आपको एक कुछ ना कन्फर्म फॉर्मूलाज बोलते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आप उसका नेचर बता सकते। ठीक है, अच्छा ये थ्योरम से कंक्लूजन क्या मिले हम लोगों, तो पहला कंक्लूजन देखो, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जो कंडीशन वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मैंने क्या बोला, दो लाइंस क्या होगी हमारे, डिस्टिंक्ट लाइन होंगी, क्या होंगे, लाइंस आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, ठीक है ना, तो अलग अलग लाइंस है। अच्छा सेकेंड, अगर मैंने बोला एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ऐसे होता है लाइंस, और या इसको बोल सकते हैं आप कोइंसिडेंट लाइंस है, क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या होगे, एक ही लाइन पे दोनों लाइन होगे, जैसे अगर ये हमारा एल है तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन होगा आपका पी लाइन होगा, क्या लाइन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। थर्ड हमारे पास और एक कंडीशन, तीन कंडीशन हो सकते हैं, एक तो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, या लास्ट में क्या बोल सकते हैं, माइनस ए बी लेस देन जीरो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्या, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने ही चाहिए, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस।
मतलब कोई आपको अगर कंबाइन इक्वेशन कोई भी देता है ना, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, उससे देखो कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ रहा है। जैसे हम लोग क्या करते थे 10th में, हम लोग जो ना किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, सॉल्यूशन का नेचर फाइंड आउट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। वो क्या था, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था। इसके अकॉर्डिंगली ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन जीरो, इसको अकॉर्डिंगली हम लोग रूट्स का नेचर बताते थे। सिमिलरली यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हो, लाइन्स का नेचर बता सकते हो। डिस्टिंक्ट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, कि कोई तो ऐसे दूसरे लाइन्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते। समझ में आया कि वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। समझ में आया ये कंसेप्ट? ओके, और कंक्लूजन है हमारे पास, जैसे कि अगर आप लोगों ने बी इज इक्वल टू जीरो बोल दिया, कि हम लोगों ने अगर बोल दिया कि इफ फोर इज इक्वल टू बी, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग इफ बी इज इक्वल टू जीरो देन ठीक है, तो क्या होगा, तो वन लाइन आपका होगा y एक्सिस। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन लिया था ना, तो पहला क्या आया था, y इज इक्वल टू जीरो आया था, और दूसरा लाइन क्या आ गया था, ax प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंगली दूसरे लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन टू एच, है ना हमारा फॉर्मूला है ना, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी वाला, उसके अकॉर्डिंगली ये स्लोप आ जाएगा, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन लाइन इज y इज इक्वल टू जीरो एंड अदर लाइन स्लोप इज माइनस ए अपॉन टू एच। कैसे निकाला, समझ में आया, ये दो इक्वेशन निकाला था देखो फर्स्ट केस में हम लोगों ने। यस, व्हाट अबाउट द सेकेंड केस, आगे क्या है, आगे हम लोग बोलेंगे कि इफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बराबर है, एंड क्या बोलेंगे, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड केस था हमारा। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप्स ऑफ लाइन आर, लाइंस आर एम वन इज इक्वल टू, हम लोग ने दो स्लोप निकाले थे, माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, एंड एम टू भी निकाला था विच इज माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। समझ में आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे कि एम वन एंड एम टू का वैल्यू ये होगा। समझ में आया, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एम वन प्लस एम टू आएगा, क्या आएगा, इन दोनों का देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बी बी सेम है। अच्छा देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पूरा कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टू एच अपॉन बी, तो मुझे मिलेगा माइनस टू एच अपॉन बी। ओके, एम वन इंटू एम टू करूंगा तो क्या मिलेगा, एम वन इंटू एम टू करके देखते हैं हम लोग, एम वन इंटू एम टू, तो ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हम लोग को ऐसे मिलेगा, ए स्क्वायर मतलब माइनस एच का स्क्वायर बराबर है माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाँ तो ये माइनस एच का, तो ये हो जाएगा प्लस एच माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, तो देखो प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ए बी अपॉन बी स्क्वायर, तो ये देखो b एंड b कैंसिल, तो a बाई बी आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, a अपॉन b। तो ये दोनों रिजल्ट्स भी हम लोग को याद रखने हैं। समझ में आई बात, बहुत सिंपल इजी है। देखो इसी से हम लोग को न, एक ना ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है, क्या मिलता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे, देखो ना m1 एंड m2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन इन वेरिएबल एम, मतलब हमारे पास क्या है, ये एम वन एम टू दो क्या है, रूट्स है एनी इक्वेशन इन एम होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मालूम है ना हम लोग कैसे लिखते हैं, याद है क्या, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था हम लोगों ने एक फॉर्मूला, क्या किया था, एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था एक्चुअली, वो कैसा था मैं बताता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर है प्लस अल्फा इंटू बीटा
राइट यहाँ पे आएगा आपका x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसा इक्वेशन लिखते थे पता है क्या, दो रूट्स पता है तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप मतलब दो रूट्स ले लेते हम लोग m1 m2 जो सेटिस्फाई करते हैं हमारे ये जो इक्वेशन था ना होमोजेनियस इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करते। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 m स्क्वायर ले लिया बराबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या माइनस m1 प्लस m2 m प्लस m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 कितना है माइनस टू एच अपॉन b इंटू m प्लस ये आया आपको a अपॉन b विच इज इक्वल टू जीरो ब्रैकेट ओपन करो तो m स्क्वायर प्लस टू एच अपॉन b m प्लस ए बाय बी इज इक्वल टू जीरो। अभी हम लोग क्या करेंगे b से मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे क्या मिलेगा b m स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन मिला है ना इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। किसका इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या इसका ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है जिसके रूट्स हम लोग ने बोले एम वन एंड एम टू है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको लेकिन हम लोग जब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है ये इक्वेशन है इसके स्लोप्स हम लोग ने निकाले m1 एंड m2 उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब किसी ने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ तो हम लोग को क्या करना है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है और ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है तो हम लोग को क्या मिलेगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये सारा बेसिक था हमारे एक्सरसाइज वन के लिए तो मैं और एक टॉपिक ले रहा हूं जो कि एक्सरसाइज टू भी कवर कर लेगा ठीक है। सो दैट हम लोग एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू एक साथ सॉल्व करेंगे ठीक है। थर्ड वाला एक्सरसाइज है जो हम लोगों का डिलीट कर दिया है एग्जाम में से जो कि था हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो कि ओमिटेड है फ्रॉम अवर सिलेबस फॉर दिस ईयर के सिलेबस के लिए ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे अभी दो लाइंस के बीच में का या एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइंस। ओके तो हम लोगों ने अभी क्या देखा एक नॉर्मल इक्वेशन देखा इसका क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ये क्या होता है दो पेयर ऑफ लाइंस है उनका इक्वेशन होता है राइट कंबाइंड इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग ठीक है। अगर वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का बराबर ऐसा कोई इक्वेशन दिया मतलब वो कैसे रहेंगे देखो Let's say this is your x-axis. बराबर है और आपके दो लाइन से ऐसे कुछ रहेंगे ओरिजिन में से पास हो रहे कंसिडर करो ये ओरिजिन में से पास हो रहे ठीक है। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो उन्होंने बोला इफ द थीटा इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल कीप इन माइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट टैन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो टैन थीटा का वैल्यू ये आता है हम लोग को प्रूव करना है हम लोग कैसे प्रूव करेंगे तो सिंपल है हमारे पास तो हम लोग क्या बोलेंगे गिवन इक्वेशन क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो विच इज हम लोग बोलेंगे कि गिवन है ठीक है गिवन है तो हम लोग क्या बोलेंगे लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप्स स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ अबो इक्वेशन ठीक है ना मतलब ये ओवरऑल इक्वेशन में जो भी लाइन्स दो लाइन्स है उनके स्लोप मैंने क्या बोले m1 एंड m2। हम लोगों ने अभी देखा था लास्ट थियरम के रिजल्ट में कि m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस टू एच अपॉन बी एंड m1 into m2 क्या होता है तो वो होता है हमारा a by b राइट है हाँ राइट है तो
तो हम लोग लेकिन एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था राइट, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो हम लोग अभी देखो कि हम लोग को ये m1 प्लस m2 है, m1 इंटू m2 है, तो मुझे ना m1 माइनस m2 निकालना है। क्या चाहिए, m1 माइनस m2, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर बराबर है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। अगर ये किसको नहीं पता है तो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो इसको कि हम लोग ने बोला कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये ऐसे रखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ले लेता हूँ प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये प्लस टू ए बी रहेगा, कौन सा ये वाला प्लस टू ए बी, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस टू ए बी माइनस किया तो यहाँ पे एड भी करना पड़ेगा, तो टू ए बी एड कर दिया, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है और ये प्लस फोर ए बी मिलेगा, ये फोर ए बी यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस बनेगा, तो यही फॉर्मूला मिलेगा। तो कैसे मिला देखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, तो ये a एंड b के जगह पे m1 एंड m2 है, समझा। तो m1 माइनस m2 फाइंड आउट करना है, तो ये m1 माइनस m2 को एज इट इज रखो, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या है, माइनस टू एच अपॉन b, टू एच अपॉन b स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए बाय बी, ठीक है a बाय बी, तो इसको क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन बी बराबर है, हाँ बराबर है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, देखो डिनोमिनेटर सेम कर दे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बी करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी अपॉन बी स्क्वायर, यस ये है हमारा एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, फोर कॉमन आ गया और ये अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर है, लेकिन मुझे तो एम वन माइनस एम टू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये फोर का हो जाएगा टू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसके आगे वाला ट्रिक है, इसके आगे वाला ट्रिक क्या है कि हमारे पास अगर दो लाइन्स है, कि लेट्स से ये है, ये लाइन है एंड दिस इज द अदर लाइन राइट, ये दो लाइन्स है ठीक है, तो इसके अंदर का जो ये एंगल थीटा निकालना है ना, वो एक्चुअली क्या होगा आपका, तो ये लाइन का कुछ तो होगा, लेट्स से टैन अल्फा होगा, स्लोप हम लोग को पता है ना m1, एंड ये m2 क्या होगा, m2 होगा आपका विच इज इक्वल टू tan बीटा बराबर है, क्या होगा tan बीटा। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक्चुअली ये एंगल फाइंड आउट करना है ना, मतलब ये एंगल इसका होगा एंड ये एंगल इसका, इसमें से ये बीटा में से अगर मैं अल्फा माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली tan, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b, तो tan मतलब ये m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2, याद रखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो अगेन मैं बताता हूं, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन वन प्लस tan अल्फा tan बीटा, याद आ रहा है, तो मैंने अभी दिखाया था कि ये हमारे दो पेयर ऑफ लाइंस है ऐसे ऐसे, तो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे आया ये, कि हमारे पास अगर पेयर ऑफ लाइंस है, लेट्स से यहां पे वापस मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ये दो लाइंस है ठीक है, तो देखो ये इसके अंदर वाला थीटा है, तो ये जो लाइन है m2 उसका स्लोप कैसे देंगे हम लोग, tan बीटा, tan बीटा मतलब कौन सा, तो tan बीटा मतलब ये पूरा एंगल होगा, हाँ tan अल्फा मतलब कौन सा, ये वाला होगा बराबर है, हाँ
तो अगर ये बीटा में से अल्फा माइनस करता है या अल्फा माइनस बीटा करता है तो बच्चे का कौन सा, ये वाला एंगल है ना जो हम लोग को रिक्वायर्ड है, तो वही मैंने किया। ठीक है, तो टेन अल्फा मतलब M1, टेन बीटा मतलब M2। तो M1 माइनस M2 क्या आया, ये आया 2√h² − ab अपॉन बी होल अपॉन बी है होल अपॉन 1 + M1 M2। M1 M2 कितना ये है, तो 1 + मैं बोल सकता हूँ a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, a+b मिलेगा, तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2√h² − ab अपॉन a+b। प्रूव कर दिया टैन थीटा इज इक्वल टू ये आया। कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो ये आपको सिर्फ प्रोसीजर, ये देखो ये एग्जाम में पूछते हैं आपको ऑलमोस्ट 4 मार्क के लिए, या कभी आप बोल सकते हैं 4 मार्क्स के लिए इतना सा नहीं पूछेंगे। आपको बोल सकते हैं कि एक लाइन दिया होगा, आपको पहले फॉर्मूला बनाना है, मतलब ये प्रूफ करना है, और उसके बाद आगे क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करना है। तो ऐसा करके 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, या 2 और 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये थ्योरम आ सकता है। ठीक है, इसका कंक्लूजन भी है जो मैं आपको बताता हूँ इसके आगे, लेकिन ये सारा समझ में आया। क्या किया, ये पेयर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ है, M1 एंड M2 मैंने दो, अगर उसका स्लोप लिया दो लाइंस का, तो M1 + M2 एंड M1 × M2 हम लोग ने अभी पीछे वाले थ्योरम के कंक्लूजन में देखा था। ठीक है, तो मैंने M1 − M2 निकाला क्योंकि मुझे टैन अल्फा माइनस बीटा निकालना था, वो बीच वाला थीटा एंगल फाइंड आउट करना था। समझ में आई बात, और उसके आगे ये फॉर्मूला यूज, समझ में आया सारा थियरम, बहुत इजी है। नहीं समझेगा तो मुझे पूछना, और एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास ax² + 2hx² + 2by का ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन है, एंड लेट्स से M1 एंड M2 आर स्लोप्स ऑफ लाइंस है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अगर बोला उन्होंने इफ M1 इज इक्वल टू M2 है, दोनों स्लोप अगर इक्वल है, दोनों स्लोप अगर इक्वल है, तो व्हाट वी कैन से कि M1 − M2 जो हम लोगों ने फाइंड किया था स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हमारा था h² − ab अपॉन b² बराबर है। अगर ये M1 माइनस, देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर M1 इज इक्वल टू M2 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, M1 − M2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 = 4 h² − ab अपॉन b² हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या मिलेगा, h² − ab इज इक्वल टू 0, देयरफॉर h² इज इक्वल टू ab। मतलब अगर आपको चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है, मैंने बोला था ना, ये एक लाइन होगी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसके लिए कंडीशन क्या, स्लोप सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये बता रहा है कि पेयर ऑफ लाइंस है ये, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और उसके बाद अगर स्लोप सेम बोला तो वो कोइंसिडेंट ही होने वाले है, और ये कंडीशन भी हम लोग ने देखा था h² − ab = 0 होगा, इसका मतलब क्या, वो कोइंसिडेंट लाइन, बराबर है ना। सेकेंड थियोरम के हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट कंक्लूजन में देखा था। अच्छा, और क्या बोल सकते हो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, क्या है ये, फर्स्ट हो गया ये वाला, सॉरी ये फर्स्ट सेकेंड, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या होगा, M1 × M2 कितना होगा, -1। लेकिन M1 × M2 का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, तो वो देखा था a/b बराबर, विच इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू a/b, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -b बराबर है। समझ में आया, मतलब a+b इज इक्वल टू 0 आया, अगर a+b 0 आया तो हम लोग ने टैन थीटा क्या बोला था, ठीक है, टैन थीटा हमारे पास क्या था, ऐसा था 2√h² − ab अपॉन बी, बराबर है।
अगर ये a प्लस बी आया था, a प्लस बी जीरो हो गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एंड इन्फिनिटी कब होता है, व्हेन व्हेन योर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना। एंगल कितना होता है 90 डिग्री पे, वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम लोग को अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो कंडीशन आता है, कभी बोला किसी ने कि दो लाइन्स है जिनका ए प्लस बी कंडीशन जीरो आता है, दैट मीन्स व्हाट यू कैन से, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर किसी ने बोला एच स्क्वायर प्लस टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। मतलब कंडीशन याद रखना है, अभी क्या याद रखना है आपको, किसका क्या कंडीशन है, बराबर है। सिंपल, अगर कोई बोला ए प्लस बी है इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, किसी ने बोला एच स्क्वायर माइनस ए बी इज, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो है, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। मतलब अभी क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से आपको पूछेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट, तो व्हाट विल डू, विल फाइंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड ए प्लस बी करके देखेंगे, अगर वो जीरो आता है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं आता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिस्टिंक्ट लाइन्स है दोनों, समझ में आया, जैसे हम लोग एच स्क्वायर वाला कंडीशन चेक करते हैं उसी तरह। तो ये था आपका एक्यूट एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो इन जितना भी हम लोगों ने किया वो कलेक्टिवली आपका एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू है, एक्सरसाइज थ्री आपके सिलेबस में से ओमिटेड है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज वन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज टू सॉल्व कर देंगे। ओके।